गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पी ब्लॉक में फर्दर आगे मूव करते हुए आज हम नाइट्रोजन फैमिली की केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं। नाइट्रोजन फैमिली की फिजिकल प्रॉपर्टी हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, आज उस केमिकल प्रॉपर्टीज का टर्न है। तो चलिए टॉपिक डाल दीजिए आप, केमिकल प्रॉपर्टीज। नाइट्रोजन फैमिली 15th ग्रुप के एलिमेंट है, तो 15th ग्रुप में जो जो एलिमेंट आते हैं सारे लिख लेते हैं हम। कौन से एलिमेंट आते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये सारे एलिमेंट आते हैं। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP3। अगर हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो इस ग्रुप के एलिमेंट इनके वैलेंस शेल में अगर देखते हो तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इस ग्रुप के एलिमेंट मैक्सिमम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होने की टेंडेंसी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो सकती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि जब इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर तो क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 यूनिट से क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो आइए वन बाय वन लिखते हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट। फर्स्ट नोट लिखिए यहां पर, एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप कैन एग्जिबिट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5। इस ग्रुप के एलिमेंट मैक्सिमम +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखिए यहां पर, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट टेंडेंसी टू शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। ठीक है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट द टेंडेंसी टू शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। जब आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स में डाउन द ग्रुप मूव करते हो तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होने की टेंडेंसी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। रीजन क्या रहेगा? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? लास्ट लेक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार वापस मैं बता देता हूं। जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो तो क्या होता है, ये एक न्यूक्लियस है, यहां पर एस सबशेल है, फिर पी है। जैसे जैसे आप नीचे मूव करते जाओगे तो डी और एफ भी क्या हो जाएगा, यहां पर इंट्रोड्यूस होंगे। तो डी और एफ के इंट्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे जो डी और एफ के इंट्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा, जो एस सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के और भी ज्यादा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ये न्यूक्लियस के और भी ज्यादा क्लोज होंगे तो न्यूक्लियस का इनके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है एस सबशेल के जो इलेक्ट्रॉन है ये केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं ले पाएंगे, इसलिए ये क्या होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रॉन कहते हैं इन्हें, इनर्ट पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं इन्हें। इस इफेक्ट को क्या कहते हो, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से अब एस के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले पाएंगे तो कौन बचा, सिर्फ पी के इलेक्ट्रॉन बचे 3। इसलिए हम बोल रहे हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +3 ऑक्सीजन स्टेट शो होने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब डाउन द ग्रुप मूव करोगे तो ओनली +3 ऑक्सीजन स्टेट ही शो होगी, +5 ऑक्सीजन स्टेट शो नहीं हो पाएगी। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। एक और टॉपिक यहां पर ध्यान रखना आपको कि आपका जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता है। क्यों शो नहीं कर सकता है? तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का लिखते हैं हम,
लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का, इसी में चलने दीजिए। व्हाई नाइट्रोजन कैन नॉट शो प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड के सेकेंड पीरियड में आता है, फास्फोरस थर्ड पीरियड में आता है। अगर हम सेकेंड पीरियड की बात करें तो सेकेंड पीरियड में ओनली एस और पी सबशेल्स ही होते हैं, यहां पर डी सबशेल नहीं होते। फास्फोरस थर्ड सबशेल थर्ड पीरियड में आता है तो इसके अंदर एस भी होता है, पी भी होता है और वैकेंट डी ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट रहते हैं। ये जो पी है, ये जो हमारा फास्फोरस है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से ये डी ऑर्बिटल में भी अपने इलेक्ट्रॉन एक्सपांड करके बॉन्डिंग कर सकता है, इसलिए यहां पर प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो सकती है। देखिए, जैसे समझाता हूं मैं आपको, ये फॉस्फोरस है, ये इसका 3s, ये इसका p और इसका वैकेंट डी प्रेजेंट है। जब बॉन्डिंग होगी तब क्या होगा, इन तीन पी इलेक्ट्रॉन के साथ, अनपेयर इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इसके पास क्या हो जाता है, एक डी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट आता है वैकेंट। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, इन पांचों के अंदर क्या हो सकती है, बॉन्डिंग कर सकते हैं जो भी एलिमेंट है इनके साथ, जो फॉस्फोरस के साथ जो भी एलिमेंट बॉन्डिंग करना चाहता है वो क्या करेगा, इन सब में इलेक्ट्रॉन फिल कर देगा। देखिए, यहां पर वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है इसलिए यहां पर मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट प्लस फाइव शो हो सकती है। लेकिन इसी की जगह अगर आपके पास नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन प्लस फाइव शो नहीं कर पाएगा, तो उसका रीजन क्या रहेगा? देखिए, क्योंकि नाइट्रोजन के पास ये प्रेजेंट ही नहीं है, नाइट्रोजन के पास ओनली क्या है, 2s और 2p है, इसके पास 2d होता ही नहीं है। ठीक है, 2d होता ही नहीं वैसे भी, तो नाइट्रोजन के पास अनअवेबिलिटी है वैकेंट डी ऑर्बिटल की, इसलिए ये प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता है। तो सिंपल सा आंसर लिखिए, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल नाइट्रोजन कैन नॉट शो प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। एक और चीज देखिए, अब एक और क्वेश्चन बन सकता है इसी में, इसी आंसर के ऊपर एक और क्वेश्चन बन सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, PCl5 कैन फॉर्म बट नॉट NCl5, वाई? PCl5 बन सकता है बट NCl5 नहीं बन सकता है। तो वही चीज, फॉस्फोरस में क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो क्या होगा फॉस्फोरस के लिए? देखिए, यहां पर ये फॉस्फोरस के ऑर्बिटल्स है, ये इसके 2s 3s2, ये इसके 3p3 और ये इसका वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, जब क्लोरीन आएगा इलेक्ट्रॉन रखने के लिए तो क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को किसमें भेज देगा, डी ऑर्बिटल में एक्सटेंड कर देगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहां पर क्लोरीन आ जाएगा और क्या बनाएगा, पांच बॉन्डिंग बना सकता है। तो यहां पर पांच क्लोरीन एटम इजीली बॉन्डिंग बना सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन में क्या होगा, नाइट्रोजन में वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे ही नहीं, इसलिए ये ओनली तीन ही क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बना पाएगा, इसलिए NCl5 फॉर्म नहीं होता है। तो दो क्वेश्चन हो गए, फर्स्ट कि वाई नाइट्रोजन कैन नॉट शो प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट, और सेकेंड क्वेश्चन हो गया हमारा PCl5 कैन फॉर्म बट NCl5 नॉट। तो इसका रीजन आपको मिल गया है। नाउ अब आगे मूव करते हैं, पहले आप ये नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा इसी में टॉपिक है, नेक्स्ट इसी में ऑक्सीडेशन स्टेट में पॉइंट है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फरस जनरली एग्जिबिट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस
माइनस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं. रीजन, ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज एंड हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी. क्या रहेगा रीजन? नाइट्रोजन एंड फॉस्फरस के माइनस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट शो होने का, इनकी साइज क्या होती है? स्मॉल होती है, और साइज स्मॉल होने की वजह से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? हाई होती है. इसलिए ये इजीली तीन इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं, इसलिए ये माइनस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. तो ये एक और क्वेश्चन हो गया यहां पर आपके लिए कि वाई नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस कैन शो माइनस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट. तो उसका आंसर ये रहा. चलिए अब नेक्स्ट है यहां पर, इसी में फोर्थ पॉइंट है, द टेंडेंसी टू शो माइनस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप. जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करोगे, माइनस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट होने पर शो होने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. रीजन, डाउन द ग्रुप जाओगे साइज इंक्रीज होगी, साइज अगर इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी. मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो माइनस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करके प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. ठीक है, तो ये चार पॉइंट हो गए ऑक्सीडेशन स्टेट के. एक और बहुत खास चीज अभी नाइट्रोजन में बाकी है आपके लिए कि नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है, नाइट्रोजन अपने ग्रुप में एनामोलस बिहेवियर शो करता है. एनामोलस बिहेवियर का मतलब ये होता है कि अपने ग्रुप के एलिमेंट के कंपेरेटिव ये डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है. तो उसका रीजन क्या है, आइए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं. लिखिए यहां पर क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हो गया इसी टॉपिक का, वाई नाइट्रोजन कैन शो एनामोलस बिहेवियर विथ देयर ग्रुप्स, विथ देयर ग्रुप एलिमेंट. व्हाई नाइट्रोजन कैन शो एनामोलस बिहेवियर एस कंपेरेटिव देयर ग्रुप एलिमेंट. यहां पर ये लिखिए एस कंपेरेटिव देयर ग्रुप एलिमेंट. ठीक है, तो नाइट्रोजन अपने ग्रुप के एलिमेंट्स के, अपने ग्रुप में जो एलिमेंट है उनके कंपेरेटिव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है. तो उसका रीजन क्या रहेगा? लिखिए आंसर फर्स्ट. देखिए पीरियोडिक टेबल में किसी भी ग्रुप में देख लीजिए, किसी भी ग्रुप के जो भी फर्स्ट एलिमेंट है, किसी भी ग्रुप का जो भी फर्स्ट एलिमेंट है वो अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट के कंपेरेटिव हमेशा डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा. और सबका एक ही रीजन है, ड्यू टू देयर स्मॉलर साइज सेकेंड रीजन है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थर्ड रीजन है ड्यू टू हाई आयोनाइजेशन एनर्जी एंड फोर्थ रीजन रहेगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स. तो ये चार रीजन है. आप कहीं भी अगर आपसे एनामोलस बिहेवियर की बात पूछ ले तो कहीं भी किसी भी एलिमेंट के लिए आप ये चार रीजन डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि किसी भी ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट अपने ग्रुप के दूसरे एलिमेंट के कंपेरेटिव हमेशा डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है. तो उनका रीजन क्या है? यही है, ड्यू टू देयर स्मॉलर साइज, उनकी साइज स्मॉल होती है, उनके पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी हाई होती है, और लास्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी
ऑर्बिटल्स, वैकेंट डी ऑर्बिटल की एब्सेंस की वजह से जो ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है अपने ग्रुप के दूसरे एलिमेंट के कंपैरेटिव हमेशा डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये चीज हो गई। नाउ लास्ट पॉइंट ऑक्सीडेशन स्टेट का ही है, चलिए इसे आप लिख लीजिए फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए तो लास्ट पॉइंट है इसी ग्रुप के लिए, इसी टॉपिक के ऑक्सीजन स्टेट पे ही लास्ट पॉइंट है, नाइट्रोजन बिसाइड्स -3 ऑल्सो +3 एंड +5 एग्जिबिट्स अ लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन अपने ग्रुप में देखिए बहुत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो +3 से लेकर -3 तक की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो +3 के से लेकर अपने ग्रुप में +3 से लेकर -3 तक की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट इसके ग्रुप में इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता है। इसका रीजन भी है, देखते हैं हम आगे, पहले आप ये नोट कर लीजिए। चलिए तो नाइट्रोजन कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है आइए देखते हैं। फर्स्ट है -3। -3 ऑक्सीडेशन स्टेट कहां कहां शो होती है? तो नाइट्रोजन के जितने भी हाइड्राइड है उनमें -3 ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन शो कर सकता है। एग्जाम्पल है इसका अमोनिया, जानते हो अमोनिया को? अमोनिया के अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट होती है +1, इसलिए नाइट्रोजन कितनी हो जाती है -3। सेकेंड थिंग लिथियम नाइट्राइड, इसके अंदर भी क्या होती है, इसकी +3 ऑक्सीजन स्टेट, सॉरी -3 ऑक्सीजन स्टेट होती है। इसके अलावा कैल्शियम नाइट्राइड, इसके अंदर भी क्या शो कर सकता है, ये -3 ऑक्सीजन स्टेट शो कर सकता है। इनके अंदर जो नाइट्रोजन है आपका ये N3- की फॉर्म में है और इसे आप कहते हो नाइट्राइड आयन। क्या कहते हो इसे आप? नाइट्राइड आयन। तो फर्स्ट हो गया -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकेंड -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका एग्जांपल है देखिए NH2, इसे क्या कहते हो आप? हाइड्राजीन। क्या कहते हो इसे आप? हाइड्राजीन। इनमें हाइड्रोजन में नाइट्रोजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कैसे होते हैं ये देखिए, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। देखिए नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो ये हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो -1, इस हाइड्रोजन से एक खींचेगा तो कितने हो गया -2, तो टोटल कितनी हो गई -2, इसलिए नाइट्रोजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर शो करता है। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी सेम है इसलिए यहां पर कोई ऑक्सीजन स्टेट नहीं आती, ठीक है? इसकी वजह से, सिर्फ इस हाइड्रोजन की वजह से इसके पास -2 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। हो गया ये। नाउ नेक्स्ट है -1। तो -1 के लिए देखिए कौन सा एग्जांपल है, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? ये -1 शो करता है। नाउ फिर है 0, तो इसका एग्जांपल है N2। नाइट्रोजन के अंदर, N2 के अंदर नाइट्रोजन जो गैस है उसके अंदर ये कौन सी ऑक्सीजन स्टेट शो करता है? 0 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है तो देख लीजिए, ये होता है N2, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, ये इनर्ट गैस होती है, ये कमर्शियल इजिली रिएक्ट नहीं करती है रूम टेम्परेचर पर, ओनली हाई टेम्परेचर पर ही ये किसी के साथ रिएक्शन करती है। इसके ऊपर मैं आगे और लिखवाऊंगा अभी, लेकिन अभी आप ध्यान रखिए कि ये नाइट्रोजन का ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? और इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है? 0 होती है। नाउ इसके बाद है +1, तो इसका एग्जांपल है N2O। N2O के अंदर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। उसके बाद है +2, इसका एग्जांपल है NO, इसका एग्जांपल है NO। उसके बाद है +3, इसका एग्जाम्पल है N2O3, यहां पर भी ये +3 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। इसके बाद है, ये एक्सेप्शन है, +4 ऑक्सीजन स्टेट भी शो कर सकता है। ये +4 के लिए एग्जाम्पल लिख लीजिए आप NO2।
NO2 के अंदर ये प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसके बाद है प्लस फाइव, इसका एग्जाम्पल है HNO3 एंड N2O5। तो यहां पर देखिए, मैंने अभी आपसे बोला था कि नाइट्रोजन प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ देयर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। तो यहां पर मैंने कैसे लिख दिया प्लस फाइव, तो इसका रीजन क्या है, यहां पर HNO3 में और यहां पर N2O5 में, यहां पर जो HNO3 है उसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, इस रीजन से इसकी ऑक्सीजन स्टेट यहां पर प्लस फाइव शो होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि HNO3 में प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो सकता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल हो गए आपके पास जिसके अंदर नाइट्रोजन वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ये आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम फर्दर आगे मूव करते हैं, चलिए। तो नाइट्रोजन के अलावा एक और एलिमेंट है इस ग्रुप में, फास्फोरस। फास्फोरस भी कुछ वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कौन कौन सी है तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है P4, फिर है PH3, फिर है PCl3 और फिर है लास्ट PCl5। तो यहां पर फास्फोरस में ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, यहां पर लिख देते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी शो कर सकता है। यहां पर ये माइनस थ्री, यहां पर ये प्लस थ्री शो कर रहा है और यहां पर ये प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो नाइट्रोजन के अलावा एक नेक्स्ट एलिमेंट है फास्फोरस, जो चार तरह की वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये सब आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ऑब्जेक्टिव पैटर्न स्टार्ट हो चुका है बोर्ड में, तो वहां पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें डाई नाइट्रोजन, हमें डाई नाइट्रोजन के ऊपर स्टडी करनी है, जिसे आप N2 भी बोलते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं, डाई नाइट्रोजन क्या होता है। फर्स्ट हमें इसका प्रिपरेशन मेथड सीखना है कि इसे लेबोरेटरी में और कमर्शियली कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो लिखिए वन बाय वन, मैं प्रिपरेशन मेथड लिख रहा हूं आपके लिए, आप ही मेरे साथ नोट करते जाइए। फर्स्ट इसका प्रिपरेशन मेथड रहेगा कमर्शियली, इट इज prepared by liquefaction and fractional distillation of air liquid nitrogen distills out first leaving behind oxygen तो कमर्शियली कैसे प्रिपेयर करते हैं हम, जो एयर होती है पहले उसे हम कंडेंस करके लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, फिर उसका हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे हैं तो जो आपकी लिक्विड नाइट्रोजन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 77.2 केल्विन होता है। तो फर्स्ट ये क्या होती है, वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और उस वेपर को हम साइड में कलेक्ट करके उसे कंडेंस कर लेते हैं। इस तरह से हमें क्या होती है, जो एयर का जो मिक्सचर होता है उसके अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसी गैसेस होती है, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस की वजह से हम इसे इजिली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू कंडेंस कर लेते हैं और इस तरह से हमें क्या मिल जाती है, लिक्विड नाइट्रोजन मिल जाती है। तो ये हो गया फर्स्ट मेथड। चलिए, तो अब जो सेकंड मेथड है वो लिखते हैं हम। सेकंड मेथड क्या है, इन लेबोरेटरी नाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग
एक्वस अमोनियम क्लोराइड, विथ सोडियम नाइट्रेट। तो ये लेबोरेटरी का प्रिपरेशन मेथड है कि आप एक्वस अमोनियम क्लोराइड लीजिए और उसको सोडियम नाइट्रेट के साथ ट्रीट कीजिए, आपको क्या मिलेगा, नाइट्रोजन गैस ऑब्टेन होगी। देखिए रिएक्शन लिख रहा हूं मैं आपके लिए, यहां पर इसे थोड़ा रफ कर देता हूं मैं। रिएक्शन क्या है, अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा सोडियम नाइट्रेट के साथ और हमें क्या मिलेगी, नाइट्रोजन गैस मिलेगी अलोंग विथ वाटर एंड सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम नाइट्रोजन गैस को ऑप्टेन कर सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर। नाउ अब जो हमारा नेक्स्ट मेथड है, तो चलिए अब हम थर्ड मेथड पढ़ते हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है नाइट्रोजन की प्रिपरेशन का। क्या है मेथड लिखिए, नाइट्रोजन इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट एंड अमोनियम डाइक्रोमेट। तो अमोनियम नाइट्रेट एंड अमोनियम डाइकार्बोनेट के कंपाउंड को जब आप हीट करोगे तो आपको क्या गैस, कौन सी गैस ऑप्टेन होती है, नाइट्रोजन गैस ऑप्टेन होती है। आइए देखते हैं रिएक्शन। फर्स्ट हम अमोनियम नाइट्रेट के लिए रिएक्शन लिखते हैं, जब इसे आप हीट करते हो तो आपको नाइट्रोजन गैस मिलती है अलोंग विथ वाटर मॉलिक्यूल। सेकेंड रिएक्शन हमारी अमोनियम डाइक्रोमेट की, जब इसे आप हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगी, नाइट्रोजन गैस मिलेगी अलोंग विथ वाटर मॉलिक्यूल और आपको एक ग्रीन कलर का सॉलिड सब्सटेंस मिलता है जिसका नाम क्या है, Cr2O3 कार्बोनेट है, ठीक है, सॉरी क्रोमियम ऑक्साइड है ना। तो ये रिएक्शन आपको दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपको याद रखनी है, ठीक है। यहां पर ये हो गया 4, ओके नाउ ये रिएक्शन आपकी बैलेंस है। तो ये आपकी दोनों रिएक्शन आपको याद रखनी है। वाहिवा के लिए भी आपके पास क्वेश्चन हो सकता है कि जब आप अमोनियम कार्बोनेट को हीट करते हो, सॉरी अमोनियम डाइकार्बोनेट को हीट करते हो तो आपको कौन सा ग्रीन सॉलिड सब्सटेंस मिलता है, तो आपको याद रखना है वो कौन है, नाइट्रोजन गैस के साथ क्या मिलता है आपको, Cr2O3 जिसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। तो ये दो चीज आपको याद रखनी है। नाउ इसे आप नोट कर लीजिए। फिर ये जो मेथड थे अभी तक हमने जो तीन मेथड पढ़े, इसमें जो हमें नाइट्रोजन गैस ऑप्टेन हुई है, इनमें जो नाइट्रोजन गैस कंप्लीटली प्योर नहीं मिली है। अगर आपको प्योर नाइट्रोजन ऑप्टेन करनी है तो उसका एक फोर्थ मेथड और है, मैं वो भी लिख रहा हूं, तो आप ये पहले नोट। चलिए तो लास्ट प्रिपरेशन मेथड है और जिसमें हमें क्या मिलेगी, प्योर नाइट्रोजन को कैसे ऑप्टेन कर सकते हैं। तो लिखिए इस मेथड को प्योर नाइट्रोजन कैन ऑप्टेन इन स्मॉल अमाउंट बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल अजाइड्स ना लिख के आप यहां लिख दीजिए सोडियम और बेरियम अजाइड। जब आप सोडियम और बेरियम अजाइड को हीट करोगे तो आपको क्या मिलता है, आपको प्योर क्या मिलती है, नाइट्रोजन गैस ऑब्टेन होती है। देखिए रिएक्शन लिख देता हूं मैं आपके लिए, एक तो ये रिएक्शन है, जब आपने बेरियम अजाइड को हीट किया तो आपको क्या मिली अलोंग विथ मेटल प्लस आपको प्योर नाइट्रोजन गैस ऑब्टेन होती है। तो ये रिएक्शन
आपकी किसके लिए है, जब आपको प्योर नाइट्रोजन ऑब्टेन करना है तब आपको ये रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चारों प्रिपरेशन मेथड हो गई, आप ये अच्छे से नोट कर लीजिए और इन्हें एक बार चलिए, वापस लर्न तो हम कर लीजिए। नाइट्रोजन की प्रिपरेशन मेथड अब सीख चुके हैं, अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं कि नाइट्रोजन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो प्रॉपर्टीज लिख लीजिए इसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज है इसकी। लिखिए, इट इज कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस नॉन टॉक्सिक गैस। बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड एंथैल्पी, इट इज इनर्ट गैस एट रूम टेम्परेचर। इट रिएक्ट्स ओनली एट हाई टेम्परेचर तो ये तीन पॉइंट आपको खास याद रखने हैं कि देखिए, जो आपकी नाइट्रोजन गैस है वो नॉन टॉक्सिक है, कलरलेस है, टेस्टलेस है और ऑर्डरलेस है। इसकी बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करती है, इसलिए रूम टेम्परेचर पर नाइट्रोजन को इनर्ट गैस बोला जाता है। तो आपके पास यहां पर क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई नाइट्रोजन इज इनर्ट गैस, क्वेश्चन आ सकता है। लिखिए, व्हाई नाइट्रोजन इज इनर्ट गैस एट रूम टेम्परेचर। तो इसका रीजन क्या रहेगा, नाइट्रोजन के अंदर देखिए क्या होती है, नाइट्रोजन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, दो नाइट्रोजन एटम के बीच में क्या बोल एग्जिस्ट करता है, ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। तो तीन बॉन्ड को ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है इजिली रूम टेम्परेचर पर, या फिर नॉर्मल टेम्परेचर पर तीन बॉन्ड इजिली ब्रेक नहीं होंगे, इसलिए ये रूम टेम्परेचर पर कभी भी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती है, किसी भी तरह की केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो आपको याद रखना है, ड्यू टू बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड एंथैल्पी इट इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर पर, ओनली हाई टेम्परेचर पर ही ये रिएक्शन करती है, और हाई टेम्परेचर पे भी समथिंग 2000 केल्विन के अलोंग, इतना अगर टेम्परेचर है तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। तो आइए वो भी लिख लेते हैं हम, और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है कि व्हाई नाइट्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। लास्ट पॉइंट लिख लीजिए इसका, नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन ऑन हाई टेम्परेचर। एंड इट फॉर्म्स नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी और क्या बनाएगी, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगी। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, नॉर्मल 2000 केल्विन तक होना चाहिए, और क्या फॉर्म करेगी, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस को फॉर्म करती है। ठीक है, तो ये हो गए नाइट्रोजन की सारी बातें, हमने नाइट्रोजन की प्रिपरेशन मेथड सीख ली है, हमने उसकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी भी सीख ली है। अब एक लास्ट चीज आपको मैं और डिस्कस करना चाहता हूं, आपने लिक्विड नाइट्रोजन के बारे में सुना होगा, जो लिक्विड नाइट्रोजन होती है, ये लिक्विड नाइट्रोजन क्या होती है, इसका समथिंग कुछ टेम्परेचर होता है -178 डिग्री सेल्सियस तक इसका कुछ टेम्परेचर होता है। इसका यूज बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है, डेड बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए इस लिक्विड नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। आपने अगर सुना हो तो माइकल जैक्सन की जो बॉडी है वो प्रिजर्व की गई थी, तो
तो वो किसकी वजह से प्रिजर्व हुई थी? इस लिक्विड नाइट्रोजन की वजह से। इसका टेम्परेचर बहुत माइनस में होता है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो एक्टिव नहीं हो पाते हैं। तो आपको याद रखना है कि लिक्विड नाइट्रोजन का यूज कहाँ किया जाता है? डेथ बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है। अब ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। तो लास्ट टॉपिक है आज के सेशन का, नोट कर लीजिए। नाइट्रोजन कंबाइंस विथ मेटल एट हाई टेम्परेचर एंड फॉर्म नाइट्राइड्स। तो नाइट्रोजन हाई टेम्परेचर पर क्या करती है? मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है? मेटल के नाइट्राइड्स फॉर्म करती है। क्या है, देखिए रिएक्शन लिख लेता हूं आपके लिए। 6 Li प्लस N2 गिव्स, तो ये है रिएक्शन, नोट कर लीजिए इसे आप। आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं। आज के जो हमने टॉपिक पढ़े हैं ये आप वापिस एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये सारी जो चीजें हमने पढ़ी है वो इजिली याद नहीं होगी। हमने आज डिस्कस किया नाइट्रोजन फैमिली के बारे में, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में और उसके एनामोलस बिहेवियर के बारे में। उसके बाद हमने नाइट्रोजन की वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट को देखा कि नाइट्रोजन अपने ग्रुप में एक ऐसा एलिमेंट है जो +3 से लेकर -3 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, और उसका रीजन हमने क्या देखा था? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। लेकिन हमने एक एक्सेप्शन केस भी देखा था, N2O5 और HNO3। यहां पर नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इसलिए वहां पर वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। उसके बाद हमने डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन मेथड चेक करी, कि चार मेथड हमने देखे, और चार मेथड में से जो लास्ट के दोनों मेथड थे, अमोनियम नाइट्रेट के कंपाउंड को हीट करना और अमोनियम डाइक्रोमेट के कंपाउंड को हीट करने पर क्या क्या आपको मिलता है, हमने वो देखा। जब आप अमोनियम डाइक्रोमेट के कंपाउंड को हीट करते हो तो आपको नाइट्रोजन गैस मिलती है अलोंग विद ग्रीन सॉलिड, और जो कौन होता है? Cr2O3। यहां पर एक और चीज आपको याद रखनी है, जब आप फोर्थ मेथड हमने देखा था कि आप क्या कर रहे हो, अगर प्योर आपको नाइट्रोजन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? मेटल अजाइड को हीट करना होता है। जैसे हमने बेरियम अजाइड की रिएक्शन देखी, जब आप बेरियम अजाइड को हीट करते हो तो आपको क्या मिलता है? प्योर मेटल अलोंग विद प्योर नाइट्रोजन गैस। तो ये चार प्रिपरेशन मेथड हमने देखे। उसके बाद हमने ये चेक किया कि नाइट्रोजन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। नाइट्रोजन कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, और क्या देखा हमने कि हाई टेम्परेचर पर ही नाइट्रोजन गैस रिएक्ट करती है, लो टेम्परेचर पर वो एज अ इनर्ट गैस की जैसे बिहेव करती है, ड्यू टू हाई बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देखी, और लास्ट हमारा ये पॉइंट है कि नाइट्रोजन जब भी मेटल के साथ कंबाइन होता है हाई टेम्परेचर पर तो क्या बनाता है? मेटल के नाइट्राइड्स बनाता है, और उसकी एक रिएक्शन तो हमने यहां ये पर सारे देखी। टॉपिक आज आपको वापस पूरी तरह से लर्न करने हैं, और इनको लिख लिख कर याद करना, तभी ये आपको याद होंगे। ठीक है, तो अब आज का सेशन यहीं और करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।